ऐसे ही जाम की स्थिति बनी। ऊपर पुल पर चढ़ने वाले पुलिस वालों ने वो गोले दागे किसानों के ऊपर। अगर उनकी हिम्मत होती तो तले उतरते हो, वे आए फिर के दोबारा। आप सामने देख लो, उनको पुल के ऊपर चढ़े हुए गोले दाग रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो आपको दिखाना चाहेंगे। किसानों का आरोप है कि यही ऊपर से जो है आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। यहाँ एकदम से हालात थोड़े हंगामेदार होते दिख रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहे इस आंदोलन में इस तरह की कार्रवाई क्या आंदोलन में बाबू जी? ये जो हमारा विरोध कर रहे हैं, ये हमारे आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं पुलिसकर्मी। हाँ जी, पुलिसकर्मी कोई इनका कोई विरोध नहीं कर रहा। हम शांति मार्च निकाल रहे हैं अपना, इसके बाद भी ये आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, जो हमारी आंखों में जलन कर रहे हैं और जो बहुत मामला खराब हो रहा। हमारे ट्रैक्टर रुके हुए हैं, जैसे भी रुक रहे हैं। अगर हमको आगे निकलने दिया जाता तो अब हम पार हो जाते यहाँ से। किसानों को उकसाने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, किसानों को उकसाने की कोशिश हो रही है सर। जी सर, आंखों में यहाँ पे आते ही ऊपर से अभी तो धुआं भी निकला था, ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हम पे। सर अगर किसी नेता को आना है सामने आके बात करे ना, वहाँ पीछे से क्यों हमला करा जा रहा है हम पे? हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक चला रहे हैं।